हमारी शुरुआती में दिखाया जाती है जॉन नाम का एक बिजनेसमैन होता है जो एक टापू पर जुरासिक पार्क नाम का एक थीम पार्क बनाता है जिसमें सारे क्लोन डायनासोर होते हैं। वहाँ पे एक पिंजरा लाया जाता है जिसके अंदर वेलोसिराप्टर डायनासोर होता है और वो एक इंसान को अंदर खींच लेता है। तभी हमें एक वकील दिखाया जाता है जो जॉन से बोलता है कि चेकिंग के लिए आया है, उसे गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि वह यहाँ पे पता कर सके कि ये पार्क कोई खतरनाक तो नहीं है, लोगों के लिए सेफ है। और वह वकील वहाँ पे देखता है कि यह खुदाई हो रही है और एक खुदाई में चमकने वाली चीज मिलती है जिसके अंदर एक मच्छर होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलन और डॉक्टर एलिस की एक टीम होती है जो जमीन में डायनासोर के फॉसिल निकाल रही होती है। तभी उनसे मिलने वही बिजनेसमैन जॉन आता है और उनसे बोलता है कि वह उनकी खुदाई का सारा खर्चा उठाएगा मगर उसने एक बार जुरासिक पार्क आना पड़ेगा ताकि वकील लोग उसका पीछा छोड़ दें और वो लोग जुरासिक पार्क का एक अच्छा रिव्यू दे दें। एलन और एलिस दोनों मान जाते हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर में जैसे बैठते हैं जाके वो लोग देखते हैं कि वहां पे एक अराजकता विचारक और मैथमेटिशियन जॉन मेलकम होते हैं। वकील मेलकम को लेके आता है और जॉन एलिस और एलन को लेके आता है और वे लोग हेलीकॉप्टर से सीधा उस टापू की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वे लोग हेलीकॉप्टर से उस टापू को उतरते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं उन्हें विजिटर पार्क की तरफ ले जाने के लिए और वे लोग गाड़ी में बैठ के विजिटर पार्क की तरफ जाने लगते हैं। अभी रास्ते में उन्हें वहाँ पे एक लंबी गर्दन वाला ब्रैचियोसॉरस मिल जाता है। एलन उसे देख के चौंक जाता है क्योंकि उसने पहली बार एक जिंदा डायनासोर को देखा होता है। एलिस और एलन उस डायनासोर को देख के वे दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जॉन उनसे बोलता है कि उनके पास एक टीरेक्स भी है। एलन के उनके होश ही उड़ जाते हैं। तभी वे लोग यहाँ से गाड़ी में बैठ कर विजिटर पार्क की तरफ जाने लगते हैं। तो एलन जॉन से पूछता है कि उसने ये डायनासोर कैसे बनाए। तभी उस हॉल में जॉन उनको एक मूवी दिखाता है जिसमें समझा देता है कि ये डायनासोर उसने कैसे बनाए। उस मूवी में दिखाता है कि जॉन ने ये डायनासोर क्लोन से बनाए हैं। तो एलन बोलता है कि क्लोन बनाने के लिए तो डीएनए चाहिए। तभी वो बोलता है कि उन्हें डायनासोर का एक डीएनए मिला, तो मच्छर ने कभी को डायनासोर का खून पिया था और वो मच्छर सीधा पेड़ पर बैठ गया था। वो पेड़ का सारा गोंद उस मच्छर पर चिपक जाता है। उस मच्छर के अंदर से वे लोग डायनासोर का खून निकाल के का डीएनए निकाल लेते हैं मगर उस डीएनए में कुछ कमी होती है। तो वो लोग मेंढक के और डायनासोर के दोनों के डीएनए मिलाते हैं और वह डायनासोर बनाते हैं। तभी एलन को वहाँ पे एक लैब में डायनासोर के अंडे दिख जाते हैं जो हैच होने वाले होते हैं। वे लोग लैब में जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक वेलोसिराप्टर का एक अंडा हैच हो रहा होता है, उसमें से एक वेलोसिराप्टर का एक बच्चा निकल रहा होता है। तो जॉन बोलता है कि जितने भी यहाँ पे अंडे हैच होते हैं वो मेरी नजरों के सामने ही होते हैं। तभी मेलकम बोलता है कि जो जंगल में अंडे हैच होते हैं तो तुम वहाँ नहीं होते। अभी वहाँ पे एक साइंटिस्ट बोलता है कि जहाँ पे जितने भी डायनासोर हैं ये सारे फीमेल्स हैं इसलिए ये जंगल में अंडे नहीं दे पाते। तभी मेलकम बोलता है कि जीवन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अभी जॉन के पोता पोते भी वहाँ पे आ जाते हैं। अभी जॉन बोलता है कि तुम सारे मिलके एक जुरासिक पार्क का एक टूर कर लो और वो लोग गाड़ी से जुरासिक पार्क के टूर के लिए निकल जाते हैं। अभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन का एक बेटा होता है, उसकी जॉन की नहीं बनती। उसने एक बार किसी से सौदा कर लेता है कि लैब से डायनासोरों का डीएनए चुरा कर उन्हें बेच देगा और वह वहाँ से सारा सिस्टम लॉक करके वहाँ से बोलता है कि थोड़ी देर के लिए लाइट जाएगी और वहाँ से सिस्टम लॉक करके वहाँ से वो चला जाता है डीएनए चुराने। जैसे ही सारी लाइट चली जाती है तो वह वहाँ पे डीएनए चुराता है, उस बोतल में भरता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी जॉन को लैब से पता चलता है कि तूफान आने वाला है। तभी जॉन उन्हें फोन कर देता है कि बोलता है कि वो लोग वापिस जल्दी आ जाएं क्योंकि तूफान आने वाला है। रास्ते में डॉक्टर एलन को जंगल में एक डायनासोर मिलता है जो बहुत बीमार होता है। वहाँ पे कई सारे डॉक्टर भी वहाँ पे होते हैं। वो डायनासोर ट्रायसेराटॉप्स होता है और उसने कुछ जहरीला पौधा खा लिया था इसलिए उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। तो एलिस वहाँ पे बोलती है कि वो थोड़ी देर उसके साथ और रहना चाहती है और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और डॉक्टर एलिस वहाँ पे कुछ डॉक्टरों के साथ उसी डायनासोर के पास रुक जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तूफान आ चुका होता है और जॉन का बेटा वहाँ से सैंपल चुरा के भाग रहा होता है। तूफान के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नीचे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। उसकी गाड़ी लकड़ियों में जाके फंस जाती है। जब वो अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक डायनासोर आता है और उसकी आंखों के ऊपर कीचड़ वाला जहर छोड़ता है जिससे वो अंधा हो जाता है। और जब वो गाड़ी में बैठता है तो और उसका सर गाड़ी में टकरा जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। इतनी देर में डायनासोर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसे खा लेता है। और अंदर लैब में जॉन को पता चलता है कि धीरे धीरे हर जगह की लाइट जाती जा रही है। दूसरी तरफ वो गाड़ियां भी जो बिजली से चल रही थी वो भी रुक जाती हैं उस टीरेक्स के पिंजरे के बाहर। एक गाड़ी में वो दोनों बच्चे और वकील होता है और एक गाड़ी में एलन और मेलकम। और उस टीरेक्स के पिंजरे में जो बकरी बांध रखी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। सारे लोग अंधेरे में बारिश में वो लोग उसे देख भी नहीं पाते। जिन कार में बच्चे थे उन्हीं की छत पर उस बकरी की टांग आगे गिर जाती है और वे तीनों अंदर गाड़ी में घबरा जाते हैं। वकील इतना डर जाता है कि गाड़ी से निकलकर सीधे जो पास में टॉयलेट होता है उसके अंदर जाकर छुप जाता है और टीरेक्स पिंजरे से बाहर आ जाता है। और लड़की गलती से टॉर्च को ऑन कर देती है जिससे कि लाइट पूरे बाहर होने लगती है और टीरेक्स टॉर्च की लाइट की तरफ
बढ़ने लगता है और देख लेता है कि गाड़ी के अंदर कोई हिलती हुई चीजें दिख रही है और उस गाड़ी पे वो टीरेक्स हमला कर देता है। फिर दूसरी गाड़ी से एलन उतरता है और फायर लाइट जला लेता है। टीरेक्स उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो फायर लाइट को जंगल में फेंक देता है। मगर गाड़ी के अंदर मेलकम भी उस फायर लाइट को जला देता है और वो फायर लाइट को देर में फेंकता है जब तक टीरेक्स उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। मेलकम सीधा टॉयलेट की तरफ भागने लगता है। टीरेक्स उस टॉयलेट को तोड़ देता है। टॉयलेट की जो घास फूस वाली छत होती है वो मेलकम के ऊपर गिर जाती है और वकील उसी टॉयलेट के ऊपर बैठा हुआ दिख जाता है। टीरेक्स उसे खा लेता है। फिर तक एलन वो गाड़ी में से बच्चों को निकाल रहा होता है तो टीरेक्स वापस आ जाता है और एलन उस लड़की को बोलता है कि वो बिल्कुल ना हिले ऐसे खड़ी रहे। मगर टीरेक्स गाड़ी को धक्का दे गाड़ी को खाई में फेंक देता है। टीरेक्स ने जो गाड़ी फेंकी थी वो सीधा पेड़ के ऊपर जाके फंस जाती है। उसके अंदर एक छोटा लड़का होता है तो एलन उसे बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। वो दोनों जब पेड़ से नीचे उतर रहे होते हैं गाड़ी भी उनके ऊपर गिरने लगती है। तभी वो लोग पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतर जाते हैं। तभी जॉन एक गाड़ी भेजता है उन सबको बचाने के लिए जिसमें एलिस होती है और एक शिकारी होता है। दोनों को मेलकम तो मिल जाता है मगर बाकी लोग नहीं मिलते। एलन और बच्चों के पैरों के निशान एलिस को दिख जाते हैं जब तक टीरेक्स वहाँ पे फिर आ जाता है और वह तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। और दोनों बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं तो वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और रात वहीं पे गुजारते हैं। लैब पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये कंप्यूटर वैसे स्टार्ट नहीं होंगे, इन्हें पूरा सिस्टम बंद करना होगा और दोबारा स्टार्ट करना होगा। सुबह होते ही एलन और वो दोनों बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दिखता है कि टीरेक्स कई सारे डायनासोर को मार के खा रहा होता है और वे लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें करंट के कई सारे तार दिखते हैं तो एलन बोलता है कि उन्हें ये पार करना ही होगा। वह तीनों उस तार के ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर एलिस बोलती है कि वो जाएगी सिस्टम ऑन करने के लिए और उसके साथ एक शिकारी भी वहाँ से साथ चलता है। फिर वे दोनों रास्ते में देखते हैं कि वेलोसिराप्टर ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है और वो खुल गए हैं। तभी वो शिकारी एलिस से बोलता है कि वो तेजी से उस घर की तरफ भागे और एलिस वहाँ से तेजी से भागने लगती है और वो सीधा उस घर के अंदर जाके ही रुकती है। और जॉन उसे रास्ता बताने लगता है कि वो कैसे कैसे उस मेन सिस्टम की तरफ जाएगी। और एलिस जब मेन सिस्टम की तरफ पहुंच जाती है तो धीरे धीरे करके सारे सिस्टम को ऑन करने लगती है। दूसरी तरफ एलन और एक लड़की तो नीचे उतर जाते हैं मगर अभी भी छोटा लड़का उस तारों पे से उतर रहा होता है और इतनी देर में एलिस सारे सिस्टम को ऑन कर देती है और वहाँ पे भी करंट आ जाता है। उस छोटे लड़कों को भी करंट लग जाता है तो एलन उसे ऑक्सीजन देने लगता है और वह बच जाता है और वह तीनों विजिटर हाउस पहुंच जाते हैं और एलिस भी सारा सिस्टम ऑन करके वहां से निकल जाती है। मगर इतनी देर में उस शिकारी को सारे डायनासोर खा लेते हैं। वो दोनों बच्चे वहां पे खाने ही खा रहे होते हैं तभी एक को डायनासोर की परछाई दिखने लगती है और वे दोनों वहां से सीधा किचन की तरफ भाग जाते हैं मगर वो सारे वेलोसिराप्टर किचन में भी पहुंच जाते हैं। तभी वो बच्चे वहां से बच के निकल जाते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे एलन और एलिस होते हैं। एलन और एलिस दरवाजे को टाइट से पकड़ के रखते हैं ताकि डायनासोर अंदर ना घुस जाए जब तक वो लड़की कंप्यूटर सारे टेलीफोन और दरवाजों को लॉक स्टार्ट कर देती है। मगर दूसरा डायनासोर यह तोड़ के रूम के अंदर आ जाता है और वो सारे सीलिंग से उसी तरफ जाने लगते हैं और वो सारे विजिटर हॉल की तरफ पहुंच जाते हैं। सारे वेलोसिराप्टर भी विजिटर हॉल की तरफ आ जाते हैं और सारे वेलोसिराप्टर उन सबको घेर लेते हैं। जैसे ही उन पे अटैक होने वाला आता है फिर वहाँ पे टीरेक्स आ जाता है और उन वेलोसिराप्टर को पकड़ लेता है और वो लोग इतनी देर में वहाँ से निकल जाते हैं। जब तक जॉन और मेलकम बाहर गाड़ी लेके आ चुके होते हैं वो सारे उसमें बैठते हैं और एलन जॉन से बोलता है कि वो इस पार्क के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है और अंदर हॉल में टीरेक्स दोनों वेलोसिराप्टर को मार देता है। वह सारे लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।